हर घर तक नल, हर खेत को पानी। विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर गांव में गर्मी के दौरान जल संकट हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रही है। समय समय पर इसको हल करने के दावे और वादे होते रहे हैं, लेकिन ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। दरअसल बीते समय के दौरान जिस रफ्तार से क्षेत्र की आबादी बढ़ी, उस रफ्तार से पेयजल योजना नहीं बढ़ सकी। मौजूदा योजनाओं एवं भंडारण टैंकों पर क्षमता से अधिक बोझ बढ़ता गया। एक एक पेयजल योजना से दो दो या कहीं कहीं तीन तीन गांव तक को पानी पहुंचाया जा रहा था। कि हमारी जो वाटर सप्लाई मोटा सगनेई और गगरेट हुआ करती थी, आज जो है उसका कल को उद्घाटन किया जाएगा। और हमारे एक जंगल में एरिया है जो कम से कम सड़क से 5.5 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पर मोहम्मदन के घर हैं, उनको आज तक 75 साल में पानी नहीं मिला। लेकिन वो लोग हमारे साथ आए, हमने राजेश ठाकर जी को समस्या बताई, उन्होंने विभाग को आदेश दिए और अभी वहाँ पर 7 नाले जो हैं उनको, सातों घरों को 7 नाल लगा दिए गए हैं और पानी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो वाटर सप्लाई इतनी पुरानी थी, इसका जो उद्घाटन था वो मोरारजी देसाई 1976-77 में थे प्रधानमंत्री। तो ये दो वाटर सप्लाई जो हैं, जैसे अम्बोटा सगनेई गगरेट हुआ करती थी और गनारी WSR देवली नंगल जरेड़ा मोवा दब्बन चढ़ेड़ा, ये वाटर सप्लाइयाँ होती थी। लेकिन आज हर हर गांव में अपनी अपनी वाटर सप्लाई है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप जैसे सगनेई था, सगनेई के अंदर एक काला पंखा वाटर सप्लाई भी जो नई और चलने वाली है, सगनेई का लोक स्मरण हो चुका है। भरपूर गर्मी के दिन तो मानो जैसे आफत बरस रही हो, लेकिन 2017 में विधायक बनते ही माननीय राजेश ठाकुर ने मिशन के रूप में पेयजल संकट को दूर करने का संकल्प लिया। पूरे क्षेत्र के लिए एक ही मात्र SDO का कार्यालय हुआ करता था। विधायक राजेश ठाकुर ने मूलभूत विभागीय ढांचे के विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से XEN का दफ्तर गगरेट में और दौलतपुर चौक के लिए नया सब डिवीजन मंजूर करवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गगरेट डिवीजन की समस्या गगरेट में और दौलतपुर की समस्या दौलतपुर में ही हल होने लगी। एक साथ दो दो गाँव को पेयजल सप्लाई करने वाली योजनाओं पर फोकस करते हुए लगभग हर गांव को अलग पेयजल योजना के साथ साथ जोड़ा गया। 47 करोड़ की लागत से 22 नई पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। गांव को उसकी आपूर्ति के अनुसार पेयजल योजना निर्मित की गई है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे ओवरहेड टैंक देखा जा सकता है। पूरे क्षेत्र में 30 ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत पुरानी पाइपलाइनें बदली गईं व नई डाली गईं। 5,822 नए नल लगाकर हर घर नल हर घर जल की व्यवस्था की गई है। जिन गांवों में अभी भी कुछ समस्याएं शेष हैं, वहां 34 करोड़ की लागत से 7 नई पेयजल योजनाओं पर कार्य जल्द शुरू होने वाला है। और हमारे जो विधायक हैं राजेश ठाकुर जी, इन्होंने काफ़ी विकास करवाया इन 5 सालों में, बड़ा बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। इन्होंने रोड बनवाए हैं, रास्ते बनवाए हैं, पीने की समस्या का हल, पानी का सारा हल किया है, गाँव में सिंचाई का पूरी सुविधाएं दी हैं और बहुत ही जो 5 सालों में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम करवाए हैं। जहाँ जहाँ जिस जिसको जरूरत थी वो सब चीज़ें उपलब्ध कराई, पानी की समस्या थी। इक्का दुक्का शिकायतों को छोड़ दें तो बड़े ही हर्ष की बात है कि इस वर्ष की गर्मी विधानसभा गगरेट के लिए जल संकट मुक्त रही है। क्षेत्र के ज़्यादातर गाँवों की तरह आने वाले समय में पेयजल समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। 12 साल और 15 सालों से निष्क्रिय पड़े ट्यूबवेलों को शुरू करने के लिए धन का प्रावधान करवाया गया। लगभग 30 ऐसे ट्यूबवेलों पर कार्य शुरू किया गया, जिन पर 19,68,000 रुपए खर्च करते हुए सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। लगभग 105 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन डाली गई। नई हौदियों का निर्माण किया गया, जिस पर जल शक्ति विभाग के माध्यम से 11 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 15 ट्यूबवेलों के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसानों की मांग को देखते हुए 7,29,00,000 रुपए की लागत से 9 नए ट्यूबवेल मंजूर किए गए हैं और 11 मौजूदा ट्यूबवेलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। विधायक राजेश ठाकुर के इन्हीं प्रयासों के कारण इत्र की हजारों कनाल असिंचित भूमि को सिंचाई सुविधा के साथ जोड़ा गया है। क्षेत्र के किसान
गेहूं और मक्की जैसी रिवायती फसलें तो उगा ही रहे हैं, सिंचाई सुविधा के कारण आज आलू की खेती में भी कई गुना वृद्धि हुई है, जिसके कारण किसानों को अपनी आय बढ़ाने का एक और विकल्प मिल रहा है। हमारे गांव के अंदर एक ट्यूबवेल नंबर 51 था, 1988 में वहां पर फ्लड पड़ा, वो ट्यूबवेल बैठ गया, उसका बोर दोबारा हुआ, वो भी राजेश ठाकुर जी ने लगभग कोई 22-23 साल के बाद उसको चालू करवाया। उसके साथ ही दो ट्यूबवेल थे जो 2007 में लगे थे, सरकारें आती जाती रही, किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया, तो हमने राजेश ठाकुर जी को अपील की और हमने प्रार्थना की कि नलकूपों को चलाएं। अभी जो दोनों नलकूप हैं अमोटा के, एक रामतलाई में और एक छल्ला में, दोनों जो नलकूप हैं वो सभी खेतों को पानी दे रहे हैं, तो उससे आलू की फसल भी तैयार कर रहे हैं, बाजरा भी, चरी भी, घास भी, हर तरह की जो सब्जी या फल फ्रूट तैयार किए जा रहे हैं। गगरेट नगर पंचायत में वर्षों से सीवेज प्रणाली स्थापित करने की मांग थी। 13.50 करोड़ की राशि व्यय कर गगरेट में सीवेज प्रणाली के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। विधानसभा की दूसरी नगर पंचायत दौलतपुर चौक में भी सीवेज व्यवस्था स्थापना प्रस्तावित है। ये 6 महीने के अंदर किया हुआ है काम उनका। 6 महीने क्या होते हैं, सालों साल लग जाते हैं, पानी नहीं आता है, हमारे बड़ी दिक्कत थी, वो पानी की बड़ी पाइप डाल दी, अब सारा मोहल्ला हमारा खुश है। ऐसे विधायक चाहिए सभी को, हमें तो किस्मत की बात है आज तक नहीं मिला, पहला विधायक है जो इतनी जल्दी काम करता है। पानी की भी सुविधा, टैंक बनवाए हैं जगह जगह और अच्छे कार्य, सड़कें पक्की करवाई हैं, जो भी मांगा है हमने उनसे वो हमको उन्होंने दिया है।